अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसएसपी पूरी तरह तैयार। अनंतनाग और गांधरबल जिलों से होकर बाबा बर्फानी के दरबार में जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंजीकरण भी शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से अहम बैठकों का सिलसिला भी जारी है। सबसे अहम बैठक दो दिन पहले श्रीनगर में हुई थी, जिसमें गृह सचिव, खुफिया प्रमुख, पुलिस प्रमुख और महत्वपूर्ण सुरक्षा अधिकारी शामिल थे। इस दौरान विभिन्न सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने गृह सचिव को अपनी अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए सीमा सशस्त्र बल के उप महानिरीक्षक HBK सिंह ने सुरक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए हम सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे जवान अहम जगहों पर तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने इस विशेष कर्तव्य के लिए अनुभवी युवाओं का चयन किया है, जिन्हें यह सिखाया गया कि तीर्थ यात्रियों और आम लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। उन्होंने कहा कि जवान रोड ओपनिंग पार्टी का हिस्सा बनते रहेंगे। उन्हें कुछ विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि अभी यात्रा शुरू होने में समय है। गांधरबल जिले में प्रवेश करने के साथ यानी नागबल से पहले ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दुश्मन की किसी भी हरकत से समय रहते निपटा जाएगा।